दोस्तों, सवाल ये है कि क्या जीवन में प्यार दोबारा हो सकता है? क्या दोबारा एक लड़का या फिर एक लड़की नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन में प्यार सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है। बट आपको क्या लगता है? क्या आपके अकॉर्डिंग भी लाइफ में लव ओनली वन टाइम होता है? क्या सेकेंड या थर्ड टाइम प्यार नहीं होता है? इन सारे क्वेश्चंस का आज मैं रिप्लाई करूंगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिनके मन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हों और जो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हों। सो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहला प्यार है आपका, वो आप छोड़ते क्यों हो? पहले प्यार से आप दूर क्यों होते? जब आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा ना, तो जो अभी हमारा प्रश्न है कि प्यार दूसरी बार होता है या नहीं, तीसरी बार होता है या नहीं, उसका जवाब भी अपने आप ही आ जाएगा। फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, अगर आपने लाइफ में कभी किसी से प्यार किया है तो आप उस टाइम के लिए ऐसा सोचते हो, बस यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी लाइफ है। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों में आप अपने बच्चों के नाम तक सोच लेते हो, क्योंकि आप ये भी सोच लेते हो यही मेरा जीवन साथी बनेगा, इसी से मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ईच एंड एवरीथिंग। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसा सोचकर आप आगे बढ़ते हो ना, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारा और सामने वाले का नेचर बहुत अलग अलग होता है। आने वाले टाइम में लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजमेंट होते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। आज हम जिस रिश्ते को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बच्चों के नाम भी सोच लेते हैं, और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही महीनों के बाद इतना ज़्यादा चेंजमेंट आता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल जाती हैं कि हम एक सेकेंड में सोच लेते हैं कि नहीं, अब हमें अपने पार्टनर के साथ एक दिन भी नहीं बिताना है और आज के आज ब्रेकअप कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो मेन क्वेश्चन था ना कि दोबारा प्यार हो सकता है कि नहीं, उसका जवाब यहीं से निकल कर आता है। जब हम एक बार रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम एक बार किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना, हमें उस लाइफ की आदत हो जाती है। हम अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरीके से जीना सीख जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ हमें अच्छी लगती थी, इसीलिए हमने उस लाइफ को चूज़ किया था। अब जब किसी भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके साथी ने आपको धोखा दे दिया, फ्रॉड किया, चीट किया, आपके साथ कुछ भी किया है, बट आप तो यूज टू हो चुके हो उस लाइफ के, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर वन, आप हमेशा उदास रहो, सैड रहो, दुखी रहो, लाइफ से अपना सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेते हो, एकांत में रहना पसंद करते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो और सारी वो मेमोरीज याद करते हो जो सब कुछ पॉजिटिव थी उस इंसान के बारे में। यस फ्रेंड्स, इंसान की सबसे जो बड़ी और सबसे ख़राब आदत है वो यही है कि जब हमें किसी इंसान से दूर होना होता है ना, तो हम उसकी सारी अच्छी बातें सोचने लग जाते हैं और हम दूर नहीं हो पाते हैं। हम बार बार उसी चीज़ का अफसोस मनाते हैं कि उसके साथ तो मैंने ये वाला बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था और अफसोस कि वो टाइम नहीं है अब, और अब उस तरीके से हम नहीं रह रहे हैं, और आप सैड 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 होते चले जाते हो, हर एक चीज़ से आप दूर होने लग जाते हो, सोसाइटी से अपने आप को डिसकनेक्ट करने लग जाते हो। एक तो लाइफ का ये तरीका है, क्योंकि आप कमिट कर चुके हो, तो आप अपने आप से सोच चुके हो तो कि नहीं, मैंने प्यार तो एक ही बार करना था और मुझे धोखा मिल गया, अब मैंने दोबारा प्यार भी नहीं करना, दोबारा खुश भी नहीं रहना, मैं ऐसे ही रहूँगा या फिर ऐसे ही रहूँगी। अब दूसरी बात दोस्तों, एक बार आप जिस रिलेशनशिप में रहना सीख जाते हो, जैसा कि मैंने बताया, मुश्किल होता है उन चीज़ों के बिना रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपने उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर की, अपनी बातें शेयर की और एक अलग दुनिया में आप जिग रहे थे। एकदम से जब आपकी लाइफ चेंज होती है, एकदम से वो दुनिया बदली जाती है ना, जीना मुश्किल हो जाता है। कई लोग मूव ऑन करते हैं उन चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि वो जो क्वालिटीज़ उसमें नहीं थी जिसकी वजह से आपने उसे छोड़ा है, सेम क्वालिटी आप दूसरे में फिर ढूंढना शुरू कर देते हो। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई और आपको सपोर्ट कर देता है, कोई और आपको यह एहसास दिलाता है कि वो आपका उससे ज़्यादा ख्याल रखेगा, वो आपको उससे ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ही ईजिली आप स्विच हो जाते हो। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लाइफ में दूसरी बार प्यार नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी प्यार होता है। हाँ, एक डिफरेंस आता है, जब आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में होते हो
तो वो जो टाइम होता है, वो पर्टिकुलर टाइम जो होता है, जो फर्स्ट लव का टाइम होता है, फर्स्ट लव में जो अट्रैक्शन होता है, आप जितना ज़्यादा सीरियस रहते हो, वो जो फीलिंग्स होती है वो सेकेंड टाइम में नहीं आती है। बिकॉज फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लव होता है उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। आप डेटिंग करते हो, मिलने जाते हो, फ़ोन पे बात करते हो, देर रात तक बातें करते हो, उसका जो एहसास होता है बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेम लाइफ जो आप जी चुके हो, जब आप उसे रिपीट करते हो किसी अदर पर्सन के साथ, फीलिंग्स कम हो जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 30-40 या 50% तक भी कम हो जाती हैं, ये फैक्ट है। वो चीज़ जो 100% रिलेशनशिप आप फर्स्ट लव में निभा रहे थे ना, चल रहे थे, वो 100% तो नहीं आता, 30-40% डाउन हो जाता है। बट यस, सेकेंड लव, थर्ड लव एंड फोर्थ लव भी होता है। बस दोस्तों, आपको जो ध्यान देना है यहाँ पर, कि जो गलतियाँ आपने फर्स्ट टाइम की थी ना, वो आपको अब रिपीट नहीं करनी होती है, तो वो आपका जो सेकेंड लव है वही लास्ट एंड फाइनल लव हो जाएगा। आपको सेम चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, वो सारी मिस्टेक आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर ने छोड़ा है या आपने उसे छोड़ा है, वो चीज़ें आपको सेकेंड टाइम अब रिपीट नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है, जो थर्ड वाले लव की सिचुएशन आती है वो क्यों आती है, क्योंकि जब हम सेकेंड टाइम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो जो पहला प्यार मेरा था, वो लड़का या फिर वो लड़की तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा था, तुमसे कहीं ज़्यादा केयर करता था, तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी बातें करता था, और उसके साथ मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे आप ऐसी बातें करना शुरू कर, सो फ्रेंड्स, 100% यहाँ पर ब्रेकअप होना ही होना है। तो आपको ध्यान देना इन बातों का, कि जब आप किसी नए रिश्ते में बनते हो, किसी नए पार्टनर को आप चूज़ करते हो, तो आपको अपनी पुरानी लाइफ को पूरी तरह से भूल जाना है, कभी भी कंपेयर नहीं करना है, पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना है, नई लाइफ को नए तरीके से जीना है। क्योंकि अगर वो इतना ही बेटर था तो आपका उससे ब्रेकअप नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका सेकंड लव होगा वही आपका फाइनल लव हो जाएगा। आई होप सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके ना मुझे अपनी फीलिंग्स भी आप जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगा इस वीडियो को देख के। जो लोग भी फ्रेंड्स अभी फर्स्ट लव में होंगे, जिन्होंने अभी पहली बार अपने जीवन में प्यार किया होगा, मुझे पता है उन सभी लोगों का कमेंट आएगा कि नो मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता, लाइफ में प्यार सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। बट जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका होगा, जो लोग सेकेंड या थर्ड रिलेशन में होंगे, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जिनका भी फर्स्ट लव है उन्हें मैं सजेशन देना चाहूँगी, उन्हें बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंड टाइम लव होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, लड़का हो या फिर लड़की, अगर वो अच्छा है तो आपका फर्स्ट लव ही फाइनल लव बने, यही सबसे अच्छी बात होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ, या फिर जो इस टाइप की चीज़ों को लेकर, इस रिलेशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।